नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस औषधि को लेकर आया हूँ उसको हम लोग कलौंजी के नाम से जानते हैं। तो आज मैं कलौंजी और उसके तांत्रिक प्रयोग, औषधि और तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बात करूँगा। तो जो कलौंजी होती है इसको हिंदी में मगरेली और संस्कृत में स्थूल जरिका नाम से जानी जाती है। ये भारत में लगभग सभी जगह पाई जाती है, इसकी खेती भी की जाती है। इसकी जो शक्ल है जो सौंफ के पौधे से मिलती जुलती है। इसका पौधा 3-3.5 फीट तक ऊंचा और शाखाएं जो हैं 1 फुट के बराबर होती हैं। इसके फूल हल्के नीले रंग के तथा बीज जो हैं वो तिकोने होते हैं। इसके बीजों का जो रंग होता है वो स्याह होता है, गूदा सफेद और तेज खुशबू होती है। कलौंजी के बीज जो है 7-8 साल तक अपना असर जो है कायम रखते हैं। ये जो है स्वाद में कड़वी, चरपरी और स्वभाव से गर्म और व्यवहार के रूप में क्षुधावर्धक होती है, कामोद्दीपक होती है। जो ऋतु स्नान होता है उसमें भी जो तृषा होता है उसका नियामक होती है। वात, गुल्म, रक्त, पित्त, कफ, आम दोष और शूल इत्यादि जो है इन चीज़ों को नष्ट करने वाली होती है। कफ और पीलिया में भी इसका जो है प्रयोग जो है लाभप्रद होता है। अब बात करते हैं औषधि प्रयोगों की। कलौंजी को पानी में पीसकर शहद मिलाकर पीने से मसाने और गुर्दे की पथरी जो है निकल जाती है। अगर 10 मासे तक कलौंजी को अगर पानी के साथ पीसकर अगर हम पिला देंगे तो पागल कुत्ते का जो जहर है वो कम हो जाता है। कलौंजी को जलाकर तेल में मिलाकर अगर सिर की गंज पर मालिश करें तो कुछ समय में नर्म बाल पैदा होने लगते हैं। कलौंजी के बीजों को गर्म करके मलमल के कपड़े में बांधकर सूंघने पर जो है जुखाम है आपका वो मिटता है। कलौंजी को उबालकर पीने से जच्चा के गर्भ की तकलीफें जो हैं वो दूर होती हैं। अगर पेट में मरा बच्चा हो तो यह उसको निकाल देता है। कलौंजी को जलाकर उसकी राख पानी के साथ पीने और सूखी राख मस्सों पर लगाने पे जो है बवासीर में जो है आपको लाभ मिलता है। कलौंजी के 3 ग्राम चूर्ण और 3 ग्राम मक्खन में मिलाकर चाटने से जो है अगर हिचकी आपको आ रही होती है तो वो बंद होती है। कलौंजी के तेल को जो सफ़ेद अरंडी के तेल जैसा होता है जैतून के तेल के समान भाग से साथ मिलाकर पीने से जो है नामर्द बने पुरुषों में मर्दानगी और पुरुषार्थ का नया संचार होता है। इसी तेल को कमर और लिंगेंद्री पर अगर आप लगाते हो तो बेहद काम शक्ति पैदा होती है। इसकी मालिश से जो पुट्ठों की सूखी और सर्दी का जो है दर्द जो है वो मिटता है। कलौंजी अगर 5 तोला ले लें और बावची के बीज 5 तोले, गूगल 5 तोले, दारू हल्दी की जड़ 5 तोले, गंधक 2.5 तोला, नारियल की तेल की दो है 2 बोतल, इन सब चीज़ों को अगर आप कूट पीसकर बोतल में डालकर टाइट ढक्कन लगाकर 1 सप्ताह तक धूप में रहने दें और दिन में 2-3 बार खूब हिला दिया करें उसको, मतलब काफी मिक्स कर लेना है। और इस तेल की मालिश करने से जो है कुष्ठा और चर्म के जितने भी रोग होते हैं तो वो सब मिटते हैं। अब कहते हैं कल ये जरूर आप ध्यान रखें कि इसके साथ जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का जो है 21 बार प्रयोग करें और उसे जो है दवाई पर फूंक करके फिर रोगी को आपको देना होता है। ये तंत्र में जो मंत्र होता है इसकी वजह से जो औषधि तो स्वयं में तंत्र है
लेकिन औषधि का पूरा लाभ लेने के लिए उसके साथ मंत्र जोड़ा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर उसके साथ मंत्र जोड़ देना है। वो मंत्र मैं आपको दे दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस मंत्र को आप जो है 21 बार पढ़ करके औषधि पर फूंक कर जो है रोगी को देते हैं, ठीक है। तो अब और प्रयोग मैं बताता हूँ। कलौंजी के 7 दाने स्त्री के दूध में पीस कर कामला से पीड़ित रोगी की नाक में अगर आप टपकाते हैं तो जो है उसके लिए लाभप्रद होता है। इस रोग में जो है आंखें पीली पड़ जाती हैं और यदि उल्टी में पी पाती हो तो जी मिचलाता है। तिल्ली बढ़ी हुई हो तब भी इसमें से इस बात से लाभ होता है। कलौंजी को जलाकर मोम में मिलाकर सिर पर दीर्घ काल तक मालिश करते रहने से जो है बाल उगाते हैं। सिरके में मिलाकर अगर आप मस्सों पर लगाएंगे तो मस्से इससे जो है आपके अगर शरीर पर है तो कट जाएंगे। इसको पीसकर सिरके में मिलाकर पेट पर लगाने से जो है कद्दू दाने जो है वो नष्ट होते हैं और इसके धुएं से जहरीले जो है कीड़े मकोड़े हैं वो भी भाग जाते हैं। कलौंजी को पीसकर छाछ में अगर आप औंट कर नाड़ू पर लेप करने से जो है समस्त चाहे टूट गए हो तो नाड़ू जो है फिर से आपके निकल आएंगे। इसके पत्ते डालियां और बीज पीसकर जननेंद्रियों के छतों पर लगाने से आपको आराम मिलेगा। इसको पानी में पीसकर शहद मिलाकर पीने से गुर्दे और मूत्राशय की जो है पथरी वो जो है निकल जाती है। इसको जलाकर लगाने और पीने से बवासीर के मस्टे भी नष्ट होते हैं। कलौंजी के दाने ऊनी कपड़ों में रखने से कीड़े भी नहीं लगते हैं। इसे जैतून के तेल के साथ निहार मुंह खाने से जो है रंग लाल और सुर्ख हो जाता है आपका। इसको भूनकर कपड़े बांधकर सूखने से सर्दी दुखाम से जो है दूरी जो है बनती है और इससे छींके भी जिसको अधिक आती हो या जिसकी नाक पहती हो तो वो जैतून के तेल में कलौंजी के चूर्ण को मिलाकर 4 बूंद नाक में टपका ले तो उससे इसको लाभ होगा। 3 ग्राम कलौंजी का जो चूर्ण है 3 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से हिचकियां बंद होती है जैसे मैंने बताया। इसको पीसकर बालों में मलने से जो है बालों का जो है गिरना जो है रुक जाता है और वह बढ़कर लंबे होते हैं। कलौंजी जो है और जीरे का लेप लगाने से जो है सिर का दर्द जो है वो मिटता है, जो ठंड से सिर दर्द होता है उसमें लाभप्रद होता है। कलौंजी को शहद में मिलाकर लगाने से बंदर का विष उतर जाता है। अगर बंदर काट लिया हो तो कलौंजी को शहद मिलाकर आप उस जगह पर लगाएं। कलौंजी को गुड़ में मिलाकर खाने से एक तरह ज्वर जो है नष्ट होता है। इसका अगर आप 10 ग्राम चूर्ण शहद के साथ बारी बारी से दिन में चाटें तो चौथैया का जो है ज्वर वो भी नष्ट होता है। इसका अगर आप हलवा बनाकर सेवन करें तो अगर कुत्ते ने आपको काट लिया होगा तो उसका विष इससे जो है नष्ट होता है। इसके हलवे से पेट का वायुशूल, पेट के कीड़े, पेट का अफारा और कफ रोग नष्ट होता है अगर आप इसका हलवा सेवन करेंगे तो। इसके सिरके में पीसकर मुख पर लगाकर इस लेप को प्रातःकाल धो डालने से चेहरे के जो मुहासे होते हैं वो भी आपके जो है इससे खत्म होते हैं। इसके तेल को नाक में टपकाने से इसके तेल को अगर आप कान में टपकाते हैं तो उससे जो है बहरापन और कान की सूजन जो है वो दूर होती है। इसकी नस्य लेने से मिर्गी रोग में आराम मिलता है। अगर किसी को मिर्गी आ रही हो तो उसमें भी आपको इस पर फायदा मिलता है। इसे सिरपल मलने से लघु मस्तिष्क के रोम खुलकर स्मरण शक्ति जो है का जो दोष है वो दूर होता है। 1.5 ग्राम कलौंजी गाय या बकरी के दूध में भिगो कर देना चाहिए और घंटे भर बाद छील कर सिल पर पीस लें और दूध में घोलकर कपड़े में छानकर उसके उपरांत एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर
उपयुक्त कलौंजी वाला दूध भी डाल दें और ऊपर से जो है 60 ग्राम जल में 10 ग्राम कपड़े से छना हुआ चोकर का रस और 10 से 15 ग्राम फिर चीनी डालकर 4 से 6 उफान आने तक उसे पकाकर इस हरीरा को, ये हरीरा बन जाएगा, इस हरीरा को प्रसूता को इसी क्रम में लगातार 1 महीने तक पिलाएं, जिससे दूध कम हो और दूध का सूखना रुककर उसकी छाती से अधिक दूध जो है उसकी छाती से उतरने लगेगा। आंखों में छोटी मोटी बीमारियां हों तो कलौंजी का तेल 10 बूंद आधा किलो गाय के गर्म दूध में डालकर सुबह शाम लेना जो है आपके लिए लाभप्रद होता है। इसके अलावा एक एक बूंद तेल अंगुली के पोरे से नाक के दोनों छिद्रों में लगाना जो है आपके लिए लाभप्रद होता है। अब एक नोट करने वाली बात है कि कलौंजी का तेल निकालने के लिए 250 ग्राम कलौंजी को कुचलकर 2.5 किलो जल में डालकर मंदी मंदी से यानी धीरे धीरे आग पर पकाएं। जब 1 किलो जल शेष रहे तब आंच खत्म कर, आंच को उसको खत्म कर देना। फिर जल शीतल होने पर तेल की तलहटी के सहारे काट कर अलग पात्र में आपको जो है इकट्ठा कर लेना है। फिर कपड़े से छानकर किसी साफ शीशी में इसको सुरक्षित रख लेना। ये आपका तेल बन गया। 4 ग्राम से 10 ग्राम तक कलौंजी को पानी में पीसकर पिलाने से जो है अगर पागल कुत्ते ने जो है काट लिया हो तो उसके जहर में आपको ये लाभ देता है। तो ये था कलौंजी का तांत्रिक और औषधीय प्रयोग। तांत्रिक प्रयोगों में सिर्फ आपको उसके साथ मंत्र जोड़ना होगा जो भगवान शिव ने और जो है महर्षियों ने बताया है। वो मंत्र मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। वो मंत्र आपको 21 बार पढ़कर फूकना है। जिस भी रोग में जो बताया है उस गुण में उसको प्रयोग करेंगे और रोगी को दे देंगे। इससे जो है उसको पूरा लाभ मिलेगा। मंत्र से जो है औषधियां जागृत होती हैं, क्योंकि पुराने समय में जो है मंत्रों के साथ ही औषधियां दी जाती थी। आजकल लोग सीधे औषधियां देने लगे हैं। डायरेक्ट औषधि देने से फायदा तो होता है लेकिन आधा अधूरा होता है। मंत्र के साथ जो है औषधि अपना पूरा कार्य करती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।